रहनुमा तहरीक इंसाफ जरा साथ साथ होते हैं, हमेशा ही साथ साथ होते हैं। सलमान अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया सलमान साहब। सलमान साहब, इमरान खान साहब हमेशा से कानून की बालादस्ती का दर्स लेक्चर देते हैं, अमीर और गरीब के लिए बराबरी का नारा लगाते हैं, लेकिन जब अदालती अहकामात पर अमल की बात आई है अब तो खवातीन और बच्चों समेत कारकुनान को ढाल बना कर बैठ गए हैं, तो क्यों है इतना खौफ जेल से या गिरफ्तारी से? देखें, चेयरमैन इमरान खान की सियासी जद्दोजहद अब तकरीबन 26 साल से ज़्यादा हो गए हैं। उन्होंने हमेशा कानून और आइन के रह के अपनी जद्दोजहद की है और यही उनकी हिकमत अमली रही है। 9 अप्रैल के रजीम चेंज जो एक बैरूनी साजिश थी जिसके साथ यहाँ के मीर जाफर मीर सादिक मिले और उन्होंने उनकी गवर्नमेंट को गिराया जो 6% मायशी ग्रोथ पे थी। इकोनॉमिक सर्वे ने बताया कि 2022 में 6% पे पाकिस्तान तरक्की कर रहा था और वो सारी जो मईशत है उसको इस पीडीएम की हुकूमत ने 11 महीने के अंदर 41% से ज़्यादा जो है महंगाई हो चुकी है और डॉलर जो रुपए के मुकाबले में इतना बढ़ गया कि 100 रुपये जो है अब बढ़ गया है। खान साहब के दौर के दौरान 178 रुपये का था डॉलर और अब 100 से ज़्यादा हो गया और मार्केट में तो 300 से भी ऊपर ब्लैक में बेचा जा रहा है डॉलर। और इस वक्त बिल्कुल जो है ये गवर्नमेंट ये शिकस्त खा चुकी है, इसको समझ नहीं आ रही है, इसको सिर्फ ये समझ आ रही है कि खान साहब पर बेबुनियाद अल्ज़ामात लगा के मेरे ख्याल में 70 से ज़्यादा उन्होंने FIR काट दिए खान साहब के ऊपर। और वो आदमी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सादिक रोमीन डिक्लेयर किया, तो इस वक्त खान साहब जो हैं आइनी तरीके से पुरअमन तरीके से एहतजाज करेंगे और अब ये जो अनाउंस कर दिए गए इलेक्शंस 30 अप्रैल दोनों पंजाब के लिए और KP के लिए, उसमें पूरी जद्दोजहद होगी और आप देखेंगे कि 75% से ज़्यादा लोग जो हैं वो इमरान खान के साथ हैं। चलें जी, वो तो इंतखाबात में पता लग ही जाएगा। सलमान साहब, तासर ये भी बन रहा है कि अदालती अहकाम के बावजूद गिरफ्तारी खान साहब किसी सूरत नहीं देंगे, नहीं देना चाहते, अब इसके लिए अमन अमान की सूरत हाल ख़राब करनी पड़े या कुछ भी हो। अगर ऐसा हो गया खुदा न खास्ता, जिस तरह अभी फवाद चौधरी साहब भी कह रहे थे कि ऐसा एहतजाज होगा कि कोई नहीं संभल पाएगा या किसी ने नहीं देखा होगा, तो कौन जिम्मेदार होगा इस सूरत हाल का, तहरीक इंसाफ या फिर अदालत? जी, जिस तरह मैंने पहले कहा कि चेयरमैन इमरान खान ने 26 साल की सियासी जद्दोजहद में हमेशा कानून आइन और पुरअमन एहतजाज की हिकमत अमली उन्होंने इख्तियार की है। इस वक्त जो जेल भरो तहरीक थी उसके अंदर PTI लीडर्स ने वर्कर्स ने एक कानूनी तरीके से पुरअमन तरीके से उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी और उसकी वजह ये थी कि खान साहब नहीं चाहते थे कि मुल्क को नुकसान पहुंचे और अपना एहतजाज भी जो है वो रजिस्टर हो जाए। और ये क्यों एहतजाज किया गया कि जब ये असेंबली जो है दोनों पंजाब की और KP की जब ये डिसॉल्व की गई तो फ़र्ज़ बनता था इलेक्शन कमीशन का, चेयर गवर्नर्स का, दोनों सूबों के गवर्नर्स का, वो अनाउंस करें और सदर के साथ मुशावरत के बाद एक डेट दें, लेकिन इन्होंने वो नहीं किया। इसकी वजह से फिर अदालत में जाना पड़ा और अदालत ने यही सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि आप डेट दें। अब जो है 30 अप्रैल की जो डेट मिली है इलेक्शंस की पंजाब की और KP की, आप देखेंगे कि 75% लोग जो हैं वो खान साहब को, 75% से भी ज़्यादा मैं समझता हूँ, वो वोट खान साहब को देंगे, क्योंकि ये PDM की फैशिस्ट गवर्नमेंट जो है जो सिर्फ जबर से तशद्दुद से लोगों को डरा धमका के चुप कराना चाहती है, लोग चुप नहीं रहेंगे, वो पुरअमन तरीके से जमहूरी तरीके से वोट इनके खिलाफ आके देंगे। और खान साहब मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी उनकी बर्तरी होगी इस पंजाब और KP के इलेक्शन में।
अच्छा सलमान साहब, अगेन जो इंतखाबात में होगा वो तो सर्टनली आ ही जाएगा वक्त पे सामने। अब ये बता दीजिए, तोशाखाना केस, हम केसेस पे आपसे बात कर रहे हैं, एक ऐसा केस है जिसमें बड़ा प्रोसेस एक मुकम्मल हो चुका है, फर्द जुर्म आयद होनी है। अगर खान साहब इस तरह के केसेस से भी भागते छुपते रहे तो कौन यकीन करेगा कि ये जेन्युइन मामला नहीं है? अदालत जाकर साजिशियों और जाली मुकदमात बनाने वालों को एक्सपोज क्यों नहीं करते फिर वो? चेयरमैन इमरान खान के ऊपर मैं हालांकि 70-75 FIR हैं, जिसमें दहशतगर्दी, जिसमें हर किस्म का ऊट पटांग मजाया खेज FIR काटा हुआ है। आप मुझे ये बताएं कि 3 नवंबर को कातिलाना हमला होता है खान साहब के ऊपर, वो 3 नाम लेते हैं, वो जो GIT है, वो ये जो केयरटेकर गवर्नमेंट है उसको GIT को गायब कर देती है, जितनी जो तहकीक हुई है उसको गायब कर देती है। तो ये कौन सा जंगल का कानून है? और आप कह रहे हैं कि खान साहब जो हैं, खान साहब पे जो वो असैसिन था नवीद, वो तो वीडियो लिंक से अदालत से बात करता है, लेकिन खान साहब जिन पे गोली चली वो खुद चल के जाएं लाहौर हाई कोर्ट, वो खुद चल के जाएं इस्लामाबाद अपनी हाजिरी देने के लिए, ये क्या मुनाफिकत है? और फिर आप समझते हैं कि तोशाखाना, तो तोशाखाना जो है ना पूरा खोलें, खान साहब ने तो खुद कहा है कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी, जिसने भी जो पिछले 75 साल में तोशाखाना से जो तोहफे लिए हैं उनको क्या तोहफे मिले और उन्होंने उसके साथ क्या लिया? खान साहब ने तो एक घड़ी थी जो उन्होंने खरीदी, जो आइनी तरीके से कानूनी तरीके से उन्होंने खरीदी और उसको बेच डाली, उनकी अपनी घड़ी थी, तो इसमें शोर शराबा क्या है? जाए ना सुप्रीम कोर्ट में और ये पूरा दूध का दूध पानी का पानी करें। तो इसलिए तो अदालत भी चाहती है और सभी लोग ये चाहते हैं कि जो तोशाखाना है, जो घड़ी वाला मामला है, जो आपने घर बैठे दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है, अब अदालत ने तो फर्द जुर्म आयद करने का फैसला किया है, वहाँ जाएँ और वहाँ अपना केस साबित करें। बहुत शुक्रिया सलमान अहमद साहब।